टेक्नो साइलेंटस्टडी चैनल पर दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम के प्रोजेक्ट के बारे में। उसमें दोस्तों जो डिजाइनिंग के फॉर्म है वो कैसे कंप्लीट करें। दोस्तों उसमें हमारा जो फर्स्ट फॉर्म होगा वो हमारा होगा लॉगिन वाला पेज, यानी कि जो साइन इन का फॉर्म है उसकी डिजाइनिंग है उसे हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। और उसके बाद उसमें जो यूजर नेम और पासवर्ड है उसकी कोडिंग करनी पड़ेगी। दोस्तों या तो आप पहले से डेटाबेस में यूजर नेम पासवर्ड दे सकते हैं उसके टेबल बना के, या तो आप रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म भी बना सकते हैं। जैसे भी आपके सिस्टम है फीचर्स आते हैं अपने सिस्टम के उसके अनुसार अपना एक जो साइन इन वाला जो पेज है वो कंप्लीट करें। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों हमें एक जो मेन पेज है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। जो हमारा मेन पेज होगा उसमें हमारे सिस्टम के सॉफ्टवेयर के जितने भी मेन फीचर्स है उसको हमें ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने जो भी इन्वेंटरी का जो सिस्टम बनाया है उसमें एक जो होगी प्रोडक्ट की लिस्ट, दूसरा होगा वो कस्टमर्स, यानी कि हमारे कस्टमर्स की जो डिटेल्स है जो इंसर्टिंग अपडेटिंग डिलीटिंग और जो भी आप ले होती है वो यहाँ पे कस्टमर्स पे फीचर्स पे होगी। और उसके बाद एक होगा जो कैटेगरीज का, यानी कि हमारे जो शॉप है उसकी जो कैटेगरी से हम कितनी कैटेगरीज के आइटम है उसको बेचते हैं, उसकी सेल्स उसकी परचेज उसकी डिटेल है जो है सारी होगी वो होगी कैटेगरीज के फॉर्म में। उसके बाद एक होगा यूज़र का फॉर्म और एक होगा ऑर्डर्स का फॉर्म और एक हमारा होगा लॉग आउट का बटन, यानी कि जब भी हम एग्जिट होना चाहते हैं सॉफ्टवेयर में से तो हमें लॉग आउट बटन पर क्लिक करके हम उसमें एग्जिट हो पाएंगे। दोस्तों उसके बाद जो हम पहला देखें जो प्रोडक्ट लिस्ट, यानी कि प्रोडक्ट लिस्ट का होगा हमारा जो मैनेज प्रोडक्ट और दूसरा होगा हमारा मैनेज कस्टमर। मैनेज कस्टमर में दोस्तों ऐसा जो आपका फॉर्म्स होगा ये आप बना सकते हैं। यहाँ पे जो कस्टमर आईडी, उसके बाद कस्टमर नेम, कस्टमर का मोबाइल नंबर, यहाँ पे एक ऐड का बटन देना है, एक एडिट का, दूसरा है डिलीट का। और यहाँ पे आप एक जो ग्रिड व्यू यानी कि एक फॉर्म ग्रिड व्यू का बना देना, यानी कि जो भी आप कस्टमर्स को ऐड कर रहे हो यहाँ पे आपके सामने शो हो। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप बॉटम में देखें तो यहाँ पे ऑर्डर काउंट होगा, उसके बाद जो अमाउंट ऑर्डर्स की जो लास्ट ऑर्डर है उसकी डेट है वो शो होगी। तो आप ऐसा कुछ दोस्तों आप इन्वेंटरी का जो सॉफ्टवेयर है उसकी कस्टमर का जो पेज है कस्टमर का फॉर्म है ऐसा आप डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों बात करें प्रोडक्ट के फॉर्म के बारे में। तो दोस्तों प्रोडक्ट के फॉर्म में कौन कौन सी जो फील्ड्स है वो होने चाहिए। उसमें दोस्तों प्रोडक्ट आईडी, उसके बाद प्रोडक्ट का नेम, क्वांटिटी, प्राइस, डिस्क्रिप्शन और कैटेगरीज, और लास्ट में जो आपका ऐड बटन, एडिट का बटन यानी कि अपडेट का बटन, उसके बाद जो डिलीट का बटन और एक होम वाला बटन, ताकि होम वाले बटन पर क्लिक करके हमारा जो मेन फॉर्म है वहाँ पे हम जा सकें। उसके बाद जो प्रोडक्ट लिस्ट है यहाँ पे आपको एक सर्च का यानी कि एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दे देना और एक सर्च का बटन दे देना, एक रिफ्रेश का बटन दे देना और यहाँ पे एक जो ग्रिड व्यू फॉर्म है वो ले लेने, ताकि यहाँ पे जो भी आइटम हम सिलेक्ट करें और सर्च वाले बटन पे क्लिक करें तो यहाँ पे ग्रिड व्यू पे हमारी कितनी आइटम अभी तक हमारे पास शॉप में अवेलेबल है उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाए। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करें तो कैटेगरीज के बारे में। दोस्तों मैनेज कैटेगरीज का एक हमें फॉर्म्स बनाएंगे, उसके अंदर दोस्तों हमें एक जो कस्टमर आईडी बनानी होगी, यानी कि एक कस्टमर आईडी और उसका एक टेक्स्ट बॉक्स लेना होगा, उसके बाद कैटेगरीज की आईडी और उसका टेक्स्ट बॉक्स और तीन बटन अपडेट, एडिट और डिलीट और एक बटन जो फोर्थ बटन होगा होगा होम वाला। यहाँ पे दोस्तों कैटेगरीज लिस्ट है राइट साइड, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ब्लैंक बॉक्स, यहाँ पे आपको ग्रिड व्यू का फॉर्म्स बनाना है और यहाँ पे जितनी भी कैटेगरीज है वो यहाँ पे शो हो सके। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो यूज़र लिस्ट। दोस्तों यूज़र लिस्ट में यहाँ पे आपको यूज़र नेम, फुल नेम, पासवर्ड और मोबाइल नंबर और ऐड वाला बटन, एडिट वाला बटन, डिलीट बटन और एक होम बटन। यहाँ पे दोस्तों यूज़र नेम, फुल नेम, पासवर्ड और मोबाइल नंबर को ऐड करके यहाँ पे ऐड वाले बटन पे जैसे क्लिक होगा तो यहाँ पे जो यूज़र होगा वो हमारा ऐड हो जाएगा, जो भी न्यू यूज़र होगा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद उसको आप अपडेट कर पाएंगे, उसको डिलीट रिमूव भी कर पाएंगे और यहाँ पे होम वाले बटन पे क्लिक करके आप सीधा आपका जो मेन फॉर्म है वहाँ पे जा पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो ऑर्डर्स की। दोस्तों हमारा ये फॉर्म अहम है, सबसे इम्पोर्टेंस भी है। दोस्तों यहाँ पे मैनेज ऑर्डर, यहाँ पे जो कस्टमर का लिस्ट है जो भी हमारा कस्टमर्स का फॉर्म है उसका डेटा यहाँ पे कस्टमर लिस्ट में फॉर्म व्यू जो ग्रिड व्यू है उसके अंदर शो होगा। उसके बाद यहाँ पे जो आप सेकंड बॉक्स देख रहे हैं जो ग्रिड व्यू फॉर्म सेकंड देख रहे हैं वहाँ पे आपकी जो भी कैटेगरीज है आपके शॉप में अवेलेबल अभी तक जितनी भी कैटेगरीज है उसका लिस्ट यहाँ पे शो होगा। आप जो भी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, सपोज मान लो आपने मोबाइल सिलेक्ट किया तो यहाँ पे जितने भी मोबाइल अवेलेबल हो गए वह यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो आपको एक क्वांटिटी का ऑप्शन मिलेगा, आप जो भी मान लो आपने मोबाइल पे सिलेक्ट किया और 10 क्वांटिटी सिलेक्ट की लिखी और यहाँ पे एड टू ऑर्डर आप करेंगे तो यहाँ पे जो बॉटम में जो भी ग्रिड व्यू फॉर्म्स दिख रहा है वहाँ पे आपका ऑर्डर से वो आ जाएगा और लास्ट में नीचे जो टोटल अमाउंट से वो आ जाएगी।
और यहाँ पे आप लेफ्ट साइड बॉटम में देखे तो यहाँ पे आपका जो भी अमाउंट आ जाए उसके बाद ऑर्डर से वो हमें लिखना है, यानी कि ऐड कर देना है। तो उसमें ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और ऑर्डर डेट है उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद जैसे आप इंसर्ट ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो जो आपका ऑर्डर है वो इंसर्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे तीनों काम एक ही साथ हो जाएगी। यहाँ पे कस्टमर का लिस्ट आ गया, कौन सा कस्टमर है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरीज पे आप जो भी कैटेगरीज का आइटम सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। अब जैसे ही ऐड टू ऑर्डर करेंगे तो उस कस्टमर का ऑर्डर आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पे लास्ट में नीचे उसकी टोटल अमाउंट आ जाएगी और लेफ्ट साइड उसकी आईडी और जो यानी कि ऑर्डर आईडी और कस्टमर आईडी बाय डिफॉल्ट आ जाएगी और कस्टमर का नेम भी आ जाएगा। तो आपको सिर्फ जो डेट है, जो टू डेज डेट है, आज की डेट है उसको सिलेक्ट कर लेनी है और इंसर्ट ऑर्डर पर क्लिक करेंगे जो ऑर्डर इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद जो व्यू ऑर्डर वाला पेज है, आप जैसे ही व्यू ऑर्डर पर दोस्तों क्लिक करेंगे तो आपके सामने व्यू ऑर्डर है वो आ जाएगी, यानी कि जितने भी ऑर्डर्स हुए हैं और ये ऑर्डर हुआ है वो आपके सामने फॉर्म व्यू में शो होगा। तो दोस्तों आप ऐसी डिजाइनिंग आप बना सकते हो। और जैसे आप लॉगआउट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आप सिस्टम से एग्जिट हो पाएंगे। तो दोस्तों आप इन्वेंटरी का प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम आप बनाना चाहते हैं, तो आपको ये ऐसी डिजाइनिंग कंप्लीट करनी चाहिए। या तो आप स्टॉक मेंटेन का प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तब भी आप ये डिजाइन है इसको आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कोडिंग है उसको कैसे करना है वो हम बताएंगे। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। और अभी तक आपने हमारे चैनल टेक्नो साइलेंटस्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों हमारे चैनल टेक्नो साइलेंटस्टडी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको मिल जाए। दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।